सोलन में फूड सप्लीमेंट के सैंपल फेल हुए हैं, जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। स्वास्थ्य सहायक आयुक्त एलजी ठाकुर ने कहा कि जो भी गलत उत्पाद बाजार में बेचकर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के सैंपल उठा रहा है, जिनके सैंपल फेल होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाती है। कुछ दिन पहले भी दूध, दही, पनीर के भी 33 सैंपल फेल पाए गए थे, उनके खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि फूड सप्लीमेंट्स के 3 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने बताया कि फेल हुए एक विटामिन सी के सैंपल पर 1000 mg शक्ति बताई गई है, लेकिन जब उसका टेस्ट किया गया तो उसकी शक्ति महज 176 थी, जिसके चलते विटामिन बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो पहले सैंपल फेल हुए थे उनके खिलाफ कानून प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसमें अभी तक 80,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्योग घटिया किस्म के उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने नहीं दिया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर उद्योगों को सील भी कर दिया जाएगा। नहीं, मार्केट में डाइटरी सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल जो टेबलेट्स बिक रही हैं, चूवेल टेबलेट लोग बना रहे हैं, वो जो फूड के लाइसेंस पर मैन्युफैक्चर हो रही है, वो जो ICMR की गाइडलाइंस है और जो हमारे इसके लिए हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन 2016 है, उसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ICMR में दी हुई है। कुछ मार्केट से कंप्लेंट आ रही थी कि लोग जैसे विटामिन सी 500 mg और 1000 mg तक क्लेम कर रहे हैं, तो मार्केट से हमने उसके सैंपल लिए थे, तो अभी रिसेंटली एक सैंपल फेल हुआ जिसमें लेवल क्लेम 1000 mg था और जब उसका टेस्ट हुआ तो 176.1 mg उसमें विटामिन सी पाया गया, तो वो सैंपल मिसब्रांडेड और सबस्टैंडर्ड दोनों आया हुआ है। कुछ लोग रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस है उससे ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं कि हमने इसमें जैसे विटामिन सी या विटामिन B12 जो भी वो उसमें क्लेम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एज पर एक्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिसेंटली जो सैंपल लिए थे उसमें से 3 सैंपल फेल हो गए हैं, उस पे ऊपर हमने नोटिस भेज दिया है और नेक्स्ट कार्रवाई चल रही है। इसी तरह से इससे पहले भी हमने सैंपल लिए थे, उनमें से अभी रिसेंटली 33 सैंपल फेल पाए गए हैं। ये सैंपल दूध, दही, पनीर और फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि पिकल, विनेगर, इस तरह के सैंपल लिए थे जो जिनकी रिपोर्ट आ गई है। और रिसेंटली अभी हमने 17 प्रोसिक्यूशंस ADM कोर्ट में फॉर एजुकेशन के लिए डाली हुई है और 4 केस हमारे पास यही कंपाउंड हो गए जिसमें 80,000 रुपये फाइन किया और वो फाइन भी रिकवर हमने कर लिया है। नहीं, ऐसा है कि ये जो डिफेक्ट है ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो हम मैन्युफैक्चरर को इसका नोटिस दे रहे हैं। जिसने भी सप्लाई की है, रिटेलर से सैंपल लिया हुआ है, पर अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो मैन्युफैक्चर ही है, तो मैन्युफैक्चर भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम मैन्युफैक्चर को भी जैसे बिल मिल जाएगा मैन्युफैक्चर का तो हम मैन्युफैक्चर को भी उसमें नोटिस भेज देंगे। अभी तक तो हमने जिससे लिया था उसी को नोटिस किया हुआ है। कोई सप्लीमेंट वाला जो हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चर आएगा तो उसका हम लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे और जो प्रोडक्ट है उसको भी सील करेंगे। रिसेंटली भी अभी हमने 2 फैक्ट्रीज में इस तरह से जो माल बन रहा था उसको सील किया हुआ है।